इसे कहते हैं सुहाना सफर। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ओहो हो, ओहो, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, कहीं रुंझुन कहीं जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। लीजिए, तो हमने आपको गाना भी सुना, गाना भी आपको सुना दिया है ना। क्या हवा चली थी। अब आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप उस हवा को, शीतलता को, उस बिहार को नहीं महसूस कर पाएंगे, शायद इन बातों को सुनकर करने लग जाए। फ्लावरिंग हो रही होती है, बट ये विंटर में फिर ना इसको काट देते हैं। अब ये काट के खत्म कर दिया हमने, ये कमल दल, क्योंकि ये विंटर में डॉर्मेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो विंटर डॉर्मेंसी पीरियड है, फिर फरवरी से ये फिर उगना शुरू हो जाता है। फरवरी से ना उगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो एक पीपल का पेड़ है, उसके वहाँ भी एक कुआं है। और ये देख रहे हैं आप, ये हम अब ये दृश्य आप देखिएगा, ये प्रेसिडेंशियल विला है, जो आपको बात कर रहा था कि आप पैसे जोड़िए उसको खरीद लीजिए, अभी ये बिका नहीं है। तो इसमें इसके जो पार्श है, जिसका बैक साइड है, वो ये है। यहाँ पर भी आप बैठे देखिए, ऐसा लगा कि जैसे आप किसी झील के, सागर के किनारे हैं। अमेरिका में तो हमने ऐसा देखा था, किंतु भारत में हमने ये पहली बार इतनी खूबसूरत जगह देखी है। ये सामने हमारा कर्मा लेक लैंड्स का जो क्लब है, है ना, ये है। और इसमें सदगुरु जी के आशीर्वाद लिखे हुए हैं, इसमें सत्संग भी होता है, मेडिटेशन सेंटर है, इसमें एक बार है, इसमें बहुत अच्छा कैफेटेरिया है, बहुत सुंदर जगह है ये। और खास बात यहाँ का ये है कि ये सारा पानी जो लेक में है, ये सीवेज ट्रीटेड वाटर है, जो हम गुड़गांव म्यूनिसिपैलिटी से लेते हैं। हमारे पास एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बचपन से लगा हूँ आज तक, और इसमें इतना आनंद आ रहा है, इसीलिए शायद बचपन भी नहीं जा रहा। वेल सेड, थैंक यू, वेल सेड। आप अगर इनके पास बैठेंगे तो आपको हर बात में लगेगा कि ये कोई कोटेशन इन्होंने बोली, इसको नोट कर लिया जाए। सो एवरीथिंग इज़ सो इंस्पायरिंग। ये इनकी बिटिया है जो इस समय टिकी से बात कर रही हैं। चलिए, ये सफ़र समाप्त हुआ। आप फिर कभी बनाइएगा अपना प्रोग्राम और यहाँ पर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।